अब हम लोग अणुसंख्यक गुण धर्म पढ़ रहे हैं। बिलियन के अंदर कुछ गुण होते हैं जो किस चीज पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर। ये सीधी सी बात कह रहा हूं, बिलियन के कुछ गुण होते हैं, ठीक है, वो किस पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर। तो अणु किसके होंगे, बिलय के, बिलय के अणुओं में, मतलब जितने ज्यादा बिलय डालोगे उतना वो गुण बढ़ेंगे या घटेंगे। समझ में आ गया, मतलब चीनी जितनी ज्यादा डालोगे वो वाला गुण उतना ज्यादा बढ़ेगा, जैसे टेस्ट है कि नहीं। तो ये टेस्ट भी क्या हो गया, एक अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया, पर हमको जो पढ़ने हैं वो कुछ अलग है। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है बच्चों अपेक्षित वाष्प दाब में घनत्व, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। क्या अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कम होना, अपेक्षित वाष्प दाब मतलब उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, केवल एक विलायक था, फिर हमने विलायक में कुछ घोला तो विलयन बन गया, और ये जो इसमें जो वाष्प दाब, मतलब पहले तो विलय का विलायक का वाष्प दाब पीओ था, और अब विलयन जो बना उसका वाष्प दाब पीएस है। तो ये जो कमी बेसी आई किसके संदर्भ में, शुरुआती विलायक के वाष्प दाब के, उसमें इसको बोलेंगे हम अपेक्षित वाष्प दाब, इसमें अवनमन मतलब जो कमी आई, ये किसके बराबर होती है बच्चों, किसके बराबर होती है, जीटा ए। जीटा ए क्या है, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज मतलब उस बिले का मोल प्रभाज जो उसमें डाला। अभी देखो बिले डाला यहाँ पे, हालांकि बिले का कुछ नहीं था, बिले कैसा था, जो अपने आप उड़ता नहीं है, वो वाष्पशील नहीं है, वाष्पशील कौन है, विलायक। मगर विलय के डालते ही उस विलायक का वाष्प दाब कम होना शुरू हो गया, क्योंकि वो खुद तो उड़ता नहीं, उसके जितने उड़ने थे उड़ने थे। तो ये कमी जो है इसके मूल प्रभास पर निर्भर करती है, ठीक है जी, इसके मूल प्रभास पर क्या करती है, निर्भर करती है। हाँ तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा पढ़ें, दूसरा गुणधर्म पढ़िए बच्चों, दूसरा है बच्चों हमारा क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना, क्वथनांक बढ़ जाता है जब भी आप किसी चीज में, मान लो मेरे पास पानी है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म होता है, लेकिन मैंने इसमें नमक डाल दिया, नमकीन पानी बना दिया, तो ये अब 105 डिग्री में, 102 डिग्री में, 101 डिग्री में होगा, मगर 100 डिग्री से ऊपर होगा, इसको कहते हैं उन्नयन हो गया, बढ़ गया। क्या क्या चीज बढ़ गई, क्वथनांक बढ़ गया, ठीक है ना। तो क्वथनांक को बोलते हैं बच्चे बॉइलिंग पॉइंट, टीबी, और इसमें बढ़ोतरी को कहेंगे डेल्टा टीबी, डेल्टा, तो ये बढ़ोतरी, तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, और ये किसके बराबर होता है, केबी डॉट एम। केबी क्या है यहां पे, उन्नयन स्थिरांक, भाई क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, इसको क्या है, ये स्थिरांक है, तो इसको केबी कर दिया। और एम क्या है बच्चों यहां पे, एम है यहां पे मोललता, भाई हम किसी बिलियन की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी क्या है हमारे पास, मोललता, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी एम, ध्यान रह जाएगा, ठीक है जी। अब तीसरा पढ़ो, तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, हिमांक, हिमांक में अवनमन, अवनमन, हिमांक में अवनमन। अब देखो जैसे पानी है, फिर दोबारा सुनो, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ्रीज होता है, जमता है, पर अगर इसमें नमक डाल दो तो अब ये कब जमेगा, अब ये जैसे -1, -2, -3 डिग्री सेंटीग्रेड में जमेगा नमक डालने पर। कहने का मतलब अशुद्धि डालने पे या विलय डालने पे क्या हो रहा है, हिमांक कम हो जा रहा है, अवनमन हो जा रहा है उसमें, ठीक है ना। तो हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, और उसमें अवनमन मतलब डेल्टा, और ये हो जाएगा के एफ डॉट एम के बराबर, जहां पे के एफ क्या है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक, और एम क्या है, वही मोललता। तो ये आपका सेट हो गया, तो दो फॉर्मूले आपके यहां पे ऐसे एक जैसे दिखने वाले सेट हो गए, ठीक है जी बच्चों, ये बात भी आप लोगों ने पकड़ ली। अच्छा चौथा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है बच्चों परासरण दाब, परासरण दाब। देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले, उसे बोलते थे गैस समीकरण 11वीं में, पीवी इजिकल्स टू एनआरटी, ठीक है, क्या पढ़ी थी, पीवी इजिकल्स टू एनआरटी, इस पी को यहीं रहने दो, एन के नीचे इस वी को लेके जा दो वॉल्यूम को, आरटी, तो पीवी पी इजिकल्स टू एन अपॉन वी आरटी, इससे ही बन गई ये इक्वेशन। अब इसी पी को यहां रखो, एन है मोलों की संख्या और वी है आयतन, तो मोलों की संख्या पर बटे आयतन को क्या बोलते हैं, ये हो गया इसका सांद्रता। अरे अभी सांद्रता ही तो ही बताई हमने कि कितनी मात्रा में विलय है और कितने आयतन में घुला हुआ है, तो सांद्रता बोलते हैं, तो सी से दिखा दिया हमने आर टी, और इसी पी को, पी जिसे मैंने अभी प्रेशर बोला था दाब, उसको मैं परासरण दाब पाई लिख सकता हूं, तो सी आर टी। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, पाई इजिकल्स टू
ये परासरण दाब का फॉर्मूला है, परासरण दाब का फॉर्मूला। परासरण किसको कहते हैं? परासरण कहते हैं जब केवल विलायक के मॉलिक्यूल, जैसे ये एक क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक अर्ध कोशिका झिल्ली है, मतलब जो झिल्ली है जो इधर से इधर जाने के लिए कुछ ही लोगों को परमिट करती है, तो विलायक के मॉलिक्यूल तो इधर से इधर चले जाएं पर विलय ना जा पाए, इसे बोलते हैं परासरण। और एक समय के बाद परासरण जब रुक जाता है, क्योंकि यहां से एक दाब लगना शुरू हो जाता है, विलायक के मॉलिक्यूल खुद अंदर आने के लिए विलायक को रोकते हैं, उसे बोलते हैं परासरण दाब। तो ये परासरण दाब पाई इक्वल टू सीआरटी से दिखाया जाता है। अच्छा, मेरे पास दो बिलियन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दो कंडीशन हो सकती है, हो सकती है इसका परासरण दाब पाई वन और इसका कितना है पाई टू है, तो हो सकता है इसका परासरण दाब ज्यादा है, तो पाई वन पाई टू से ज्यादा हो सकता है। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? वो कहता है, कहलाता है अति परासरी, अति परासरी विलयन, ठीक है। और जिसका परासरण दाब कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्प परासरी विलयन, ठीक है। और यदि पाई वन और पाई टू दोनों बराबर हैं, दोनों विलयन क्या है, समान परासरण दाब रखते हैं, तो इन दोनों को बोलेंगे क्या? समपरासरी, समपरासरी विलयन। ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? समपरासरी विलयन हो जाएंगे। अच्छा, आपको बताता हूं, जैसे 0.1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन और 0.1 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों? समपरासरी, क्योंकि इनकी सांद्रता देखो ना सेम है। अरे भाई, जब सांद्रता सेम तो आर और टी तो कॉन्स्टेंट होते हैं ना, समझ में आ रही है? तो तब पाई वन और पाई टू दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये समपरासरी की कंडीशन होती है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बताए तीन कंडीशन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और नए टर्म से बता रहा हूं, उसको बोलते हैं बच्चों वॉन्ट हाफ गुणांक। क्या? वॉन्ट हाफ गुणांक, और इसको लिखते हैं आई से। सिर्फ इसका मतलब इतना समझ लो कि मान लो मेरे पास NaCl है, तो मैं जैसे ही इसको पानी में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो Na, तो जहां हमारे पास एक मॉलिक्यूल इसका था, वहां टूटने के बाद दो आयन बन गए ना, तो अणु की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। और अणु की संख्या बनने से बिलियन के कुछ गुण क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। तो ये गुण है ना, ये सारे गुण बताए थे ना मैंने आपको, तो ये वाले गुण क्या हो जाएंगे? ये वाले गुण क्या हो जाएंगे? इस आई के कारण घट बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आई आएगा तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा बच्चों? आई आई के बी एम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? आई के एफ एम हो जाएगा। इसी तरीके से पाई क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा आई सी आर टी, समझ में आ गया। मतलब आई की वॉन्ट हाफ गुणांक की का गुणा कर दोगे, ठीक है ना। और ये वॉन्ट हाफ गुणांक क्या बोला मैंने आपको? जैसे ये NaCl है तो ये टूट करके दो टुकड़ों में टूटा, तो इसके लिए वॉन्ट हाफ गुणांक की वैल्यू कितनी हो गई? दो। मान लो मेरे पास AlCl3 होता, वो टूटता कैसे? Al+3 में और तीन Cl नेगेटिव के बनते, तो तीन इसके और एक इसके, एक मॉलिक्यूल ने चार आयन बनाए, तो I बराबर क्या हो जाएगा? चार। इसी तरीके से आप मुझे बताओ BaCl2 में कितने टूटेंगे? एक Ba+2 बनेगा और दो Cl के नेगेटिव बनेंगे, तो यहाँ पे I कितने हो जाएंगे? तो दो और एक तीन। एक याद रखना, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल में क्या होता है, जैसे इसे पानी में डालते हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दो बेंजोइक एसिड, एक बेंजोइक एसिड ये और एक बेंजोइक एसिड ये, आपस में डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दो जुड़ करके एक बना देते हैं, तो इसका मतलब आई क्या हो गया यहाँ पे? आधा। कितना हो गया बच्चों? ये भी ध्यान रखना, आई आधा भी हो जाता है, कभी एक दो भी। और अगर कोई चीज, जैसे ग्लूकोज की बात करी मैंने, या फिर यूरिया की बात की मैंने, या फिर शुगर की बात की मैंने, इनको पानी में घोलो तो टूटते नहीं है, इसका मतलब इनमें आई उतना ही रहता है, ना टूट रहे ना जुड़ रहे, तो कितना रहा आई? उतना ही रहा। तो ये इसके वॉन्ट हाफ गुणांक की बात बताई मैंने आपको, ठीक है। एक साथ साथ एक और चीज जान लो, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम, अगर आप किसी गैस को, किसी का विलयन बनाओ, गैस को का विलयन बनाओ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस को दबा के भर देते हैं ना, तो गैस कब घुलेगी ज्यादा? जितना दबाव बनाओगे, ठीक है ना। तो जो गैस की सांद्रता होगी घुलने की, वो उस पर लगे हुए दबाव के क्या होगी? समानुपाती होगी। और समानुपाती के चिन्ह को हटाते हुए हम कैसे लिखते हैं? एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये KH क्या है? हेनरी नियतांक, एक कॉन्स्टेंट है, समझ में आ गया। तो हेनरी क्या कहता है? किसी विलयन में गैस के घुलने की सांद्रता जो होती है को क्या हम बताता है? हेनरी का नियम बताता है। और वो क्या कहता है? कि घुले हुई सांद्रता उस पर लगाए गए दबाव के समानुपाती होती है। बात खत्म, ठीक है जी। ये किसका? हेनरी का नियम। और दूसरा आता है राउल्ट का नियम।
का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, मान लो आपके पास एक विलायक था, अब आपने उसमें एक विले डाल दिया, और विले भी ऐसा कि जो उड़ सकता है, मान लो उड़ सकता है, तो आपने विलायक था आप पे ए मान लो, है ना, और विले डाल दिया आपने बी, तो विले का वाष्पदाब भी है और विलायक का वाष्पदाब भी, ठीक है ना। तो जो वाष्पदाब होगा विलायक का मान लो पी ए, वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर इस बिलियन में जब दोनों हैं तो वो किसके बराबर होगा, जो उसका शुरुआती वाष्पदाब था उसके गुणा गया उसकी अपनी मूल प्रभास के, क्या उसके अपने मूल। ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट क्या कहता है, किसी विलायक का वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाब, उसके शुद्ध रूप के वाष्पदाब और उसके क्या मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, इतना कहता है वो। और आगे अगर डाल्टन के नियम में जोड़े इसको, तो जो टोटल बिलियन बना हमारा, टोटल बिलियन का वाष्पदाब कितना है, पीटी है टोटल, उसमें इस पी ए ने भी वाष्पदाब दिया हुआ और पी बी ने भी वाष्पदाब दिया, दोनों ने वाष्पदाब दिया हुआ। अब जब दोनों ने वाष्पदाब दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला तो होता है जीटा ए पी ए नॉट, ठीक है, तो इसका होगा जीटा बी पी बी नॉट, और जीटा बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस जीटा ए, अभी तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले, तो पी बी नॉट ये यहां से बन सकता है, या फिर जीटा जीटा वालों को एक साथ ले लो, तो जीटा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये हो गया हमारा, ये भी राउल्ट का नियम है। और राउल्ट का नियम किस चीज से संबंधित है, राउल्ट कहता है किसके बारे में, कोई भी विलयन अगर किसी भी प्रेशर और तापमान की दशा में राउल्ट के नियम को फॉलो करता है तो वो विलयन कैसा कहलाएगा, वो विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन, क्या आदर्श विलयन। तो वर्ड जो आता है आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयनों को जो हर तापमान और दाब की शर्त पर कुछ भी हो जाए चाहे, मगर वो राउल्ट के नियम को जरूर मानते, तो उनको क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतना ध्यान आपको रखना है बच्चों, थैंक यू।